नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य की अगुवाई में बस्ती संपर्क अभियान का कार्यक्रम आज पंतनगर क्षेत्र के ही नागला में आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता किच्छा के ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने की है। आपको बता दें कि इधर का कार्यक्रम आयोजन बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि ने की है, और इस दौरान पे ही बीजेपी वक्ताओं ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से 26 नवंबर तक संविधान दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में ही मनाया जा रहा है, और इसी के तहत पूरे देश की 70,000 अनुसूचित बस्ती और गांव में बस्ती संपर्क अभियान के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा रहा है। युवा तेज तर्रार जिले का प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं समीर आर्या जी, जिसके नेतृत्व में एक एससी मोर्चा एक बुलंदियों को जाएगा, और जो कि पार्टी का एक अपना अभियान है कि अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी विकास की गाथा में शामिल होना चाहिए। तो उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं में, सारी पार्टी में, सारे लोगों में बड़ा जोश है, और जोश और उत्साह के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपति नाथ तक जाने वाले श्री गंगा कलश यात्रा ऋषिकेश पहुंची है, और इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा सहित कई श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया है। मौके पर गंगोत्री धाम के मुख्य रावल शिव प्रकाश महाराज से आशीर्वाद भी लिया गया है। श्रद्धालुओं ने माँ गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे जय माँ गंगे के जयकारे भी लगाए हैं। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हर साल गंगा जल से भरा कलश उत्तरकाशी टिहरी ऋषिकेश मुरादाबाद के रास्ते नेपाल पशुपति नाथ मंदिर पहुंचाया जाता है। पूरे साल इसी जल से पशुपति नाथ का विशेष जलाभिषेक किया जाता है। सनातन वैदिक परंपरा रही है कि श्री गंगोत्री धाम के पटाक्षेप के दिन महालक्ष्मी पूजा जिस दिन होती है, सभी लोग दीपावली माली का उत्सव मनाते हैं, उसी दिन इस कलश को भरने की विधान है। समस्त भारत के अपितु विश्व के कल्याण हेतु उस दिन यह कलश पूरे विधि विधान के साथ भरा जाता है। जो आज अपने उत्तरकाशी पहला पड़ाव होता है, दूसरा नई टिहरी और आज तीसरे पड़ाव हरिद्वार के लिए जा रहा है। दो महीने पहले चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए उत्तरकाशी निवासी राजवीर से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चरस खरीदने वाले राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया है, और राकेश ऋषिकेश में चंद्रशेखर नगर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, और राकेश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने राकेश को जेल पहुंचा भी दिया है। और जानकारी है कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने यह जानकारी दी है कि दो महीने पहले 172 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने उत्तरकाशी निवासी राजवीर को गिरफ्तार किया था, और पूछताछ के दौरान ही राजवीर ने चंद्रशेखर नगर निवासी राकेश को चरस बेचने के जुर्म में ही कबूल किया था, और तभी से पुलिस राकेश को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी थी, मगर वो लगातार फरार चल रहा था। आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राकेश को गिरफ्तार किया है, और पूछताछ में उसने राजवीर से चरस सस्ते दामों में खरीदकर महंगे दामों पर बेचने का जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिलहाल राकेश के पास से चरस बरामद नहीं हुई है। लक्सर नगर पालिका में ही टेंडर प्रक्रिया होनी थी, लेकिन टेंडर पेटिका को ठीक 3 बजे बंद किया जाना था, लेकिन 3:15 पर बंद किया गया, और देरी से बंद किए जाने के बाद भी कुछ लोगों ने इस पेटिका की सील तोड़कर उसमें दोबारा टेंडर डाला, और उसके बाद उसे दोबारा सील किया गया। टेंडर में हिस्सा लेने आए लोगों का आरोप है कि टेंडर में जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है वो पूरी तरह गलत है, और हर बार टेंडर प्रक्रिया
पूरी होने के बाद पेटियों को सील कर दिया जाता है और उसके बाद उसे सभी के सामने खोला जाता है, लेकिन नगर पालिका में ऐसा नहीं हुआ और अपने चाहनों के टेंडर डलवाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन ने पेटिका की सील को दोबारा तो तुड़वा कर अपने चहेतों के टेंडर डलवा दिए हैं और हमने इस मामले में कई उच्च अधिकारियों को फैक्स के जरिए पत्र भेजे हैं। हमने मांग की है कि इस पूरे टेंडर प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए और इन लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष अपने चहेतों को सभी टेंडर देना चाहते हैं, यही कारण है कि इस तरह की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। टेंडर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने कहा कि अगर टेंडर निरस्त नहीं किए जाते हैं तो उसके लिए वो अगला कदम उठाने को मजबूर होंगे। तो पहली बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं तो जब आया हूँ यहाँ पर सील लगी हुई टिप्पणी रखी हुई और सबके सामने सील खोली गई, चाहे आप उसमें भी वीडियो भी देख सकते हैं, कैमरा चलाओ। सर हमारे पास भी है सील, फाड़ते दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास भी खुले हैं, हो सकता है। देखो मैं तो इस बारे में मेरे संज्ञान में नहीं ना चाह रहे हैं आपसे। हम लोग बाहर खड़े हुए थे, लोग जो ठेकेदार थे उन्होंने पेटियों में वो अपने टेंडर डाल रहे थे, उसका समय जो निर्धारित किया गया था वो 3 बजे किया गया था, परंतु कुछ लोगों ने 3 बजे के बाद, जबकि उसके पेपर के ऊपर सील्ड कर दी गई थी, सील्ड होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने पेपर को वहां से फाड़ा। खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े हाईवे पर कई बीघा अवैध मिट्टी का भराव कर दिया गया है और संबंधित विभाग इस कारगुजारी से बेखबर बना रहा। नेशनल हाईवे 334 पर खनन माफियाओं का डंका ऐसा बजा कि ना तो तहसील प्रशासन को सुनवाई और ना दिखाई दे रहा है और ना ही दिन रात मोर्चों पर डटी स्थानीय पुलिस को इसका फायदा उठाते हुए खनन माफियाओं ने हाईवे किनारे कई बीघा अवैध मिट्टी का भराव कर दिया और मामले ने तूल पकड़ा तो जिले की खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी के भराव की फरमाइश करने वाली कार्रवाई करने की बात भी कही है। प्रशासनिक टीम ने जांच में पाया है कि ये भराव अवैध किया गया है, जिसकी फरमाइश पर जमीन स्वामी ने ही खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिन रात ढलल्ले से चला अवैध खनन आखिर तहसील प्रशासन पुलिस प्रशासन को क्यों नजर नहीं आया, या इसके पीछे कोई खेल खेला गया है? खनन विभाग की इस कार्रवाई से कई सवाल उठ रहे हैं। बेलडा गांव सचिन प्रधान के द्वारा जी खनन 12-13 ट्रैक्टर चले जेबीसी द्वारा खनन हो रहा जी। यहाँ पर भी शिकायत करी, यहाँ पर कोई नहीं आया, फिर मुख्यमंत्री के आखिरी 1905 पर हमने शिकायत करी। आज मैं जांच के लिए भी आए, मट्टी नापतोल करके ले गए जी, रास्ता सारा बेकार कर रखा। गुजरात के मोरबी में केबल के बने पुल के टूटने से भी रुड़की सिंचाई विभाग या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई भी राजनेता रुड़की में कई सालों पहले गंगा नहर के ऊपर बने लोहे के पुल की सुध नहीं ले रहा है। हालांकि इस पुल पर पूरी तरह से जंग लग चुका है और इसकी हालत काफ़ी खस्ता नजर आ चुकी। आपको बता दें कि 1955 के करीब बने इस लोहे के पुल को दोनों तरफ से तारों से रोका हुआ है और अगर एक तरफ से कहा जाए तो फिर इसे झूला पुल भी कहा जाता है और इस पुल से पैदल या साइकिल लेकर लोग गुजरते हैं, पर इसकी हालात जो है वो काफ़ी जर्जर नज़र आ रहे हैं और इसी पुल के निकट सिंचाई विभाग के कार्यालय मौजूद हैं और सभी अधिकारी यहीं बैठते हैं और वहीं कई बीजेपी और कांग्रेस सहित कई दलों के विधायकों के यहीं आसपास भवन भी हैं, पर सभी लोग इस खबर से बेखबर नज़र आ रहे हैं। देखिए सरकार तो पूरी तरह से लापरवाह है, आप उत्तराखंड में देख लो, गुजरात में देख लो, बनारस में देख लो, कहीं भी देख लो, सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। सरकार को घमंड हो चुका है, वो समझती है कि लोग वोट तो दे रहे हैं, समस्याओं का समाधान करने की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। ये देश जब हिसाब लेने पर आएगा तो हिसाब लेगा। ये पुल 70 वर्ष पुराना लगभग है, इसकी जर्जर हालत है। निर्माण 30 साल पहले कराया गया था, सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया था। पहले यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे वो बोट से क्रॉस करते थे, बोट से क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, इसलिए ये पुल कराया गया। चाव मंडी और सैनिक कॉलोनी को जोड़ने के लिए भी सिंचाई विभाग ने कराया था ये पुल। अब जब से ये पुल बना है जब से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही,
यूपी के टाइम में तो इसकी मेंटेनेंस हुई है, जब से यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ जब से इसका कोई मेंटेनेंस नहीं। बार बार मैं भी 2 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ, यूपी को लिखे, यूपी ने उत्तराखंड पे टाल दिया, उत्तराखंड को लिखे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हुतात्मा दिवस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काला डूंगी प्रकोष्ठ द्वारा ही सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र काला डूंगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद गिरीश पलड़िया ने बताया है कि बजरंग दल प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी गरीब या मजदूर को रक्त के अभाव में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही उन्होंने बताया कि बाबरी विश्वंस में ही 2 बंधु शरद कोठारी और राम कोठारी शहीद हुए थे, उनकी याद में इस रक्तदान शिविर का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। और वही कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व प्रदेश परीक्षण प्रमुख बीजेपी मनोज पाठक ने बजरंग दल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के लिए बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। कालाढूंगी क्षेत्र चकलवा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के बजरंग दल के सम्मानित कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रतिवर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ था उसमें बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनकी याद में उन हुतात्माओं के की याद में यहाँ पर ये हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिस तरह से रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और पूरे कालाढूंगी क्षेत्र के नौजवान, यहाँ के व्यापारी बंधु, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग रक्तदान करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। मैं सबको बहुत बधाई और श्रेष्ठ इस आयोजन के लिए सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। श्रावस्ती में प्रांतीय युग सृजेता समारोह का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम का आयोजन 7-9 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और आपको बता दें कि बौद्ध तीर्थ क्षेत्र श्रावस्ती में लाखों की संख्या में लोग जुटने की संभावना बताई जा रही है और यहां आने वाले खाने पीने के लिए, रहने के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था भी की जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रणव पांड्या भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर गायत्री परिवार के सदस्य काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज हाथरस पहुंचे और हाथरस रिजर्व पुलिस लाइन में ही उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जिसके बाद डिप्टी सीएम शहर में मौजूद रामलीला मैदान में चल रहे कृष्ण लीला कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूल माला पहनाकर किया है। डिप्टी सीएम के आने पर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर रहा। सहारनपुर के सदर बाजार में स्टार पेपर मिल में ही अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगभग रात के ही 2 बजे लगी हुई बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग लगने के कारण 5 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं मीडिया की कवरेज पर भी रोक लगा दी गई और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं। वहीं आपको बता दें कि आग की खबर लगते ही मिल में ही काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और वहीं कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सूत्रों की माने तो 3-4 कर्मचारी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए मिल प्रबंधक कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको सहारनपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर पेपर मिल में अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। कर्मचारियों में आग लगने के कारण भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि कई घंटों से आग लगी हुई थी और यहां पर कई कर्मचारी लापता भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। दमकल के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और
अब आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको फिर से जानकारी दे दें कि पेपर मिल में ये भीषण आग लगी थी, जिसमें अभी कर्मचारी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।